अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सेक्टर 11 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ व्यापारी अंकित सहगल का पानीपत पुलिस को पता चल गया है। अंकित बिल्कुल सुरक्षित है। पानीपत पुलिस को सूचना मिली थी कि अंकित पलवल में है, जिसके बाद पानीपत पुलिस पलवल पहुंची और उसे अपने साथ वापस लेकर आई। पुलिस ने अंकित को उसके परिवार के हवाले सौंप दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अंकित इस तरह से गायब क्यों हुआ, और जब पुलिस को अंकित मिल ही गया तो पुलिस मीडिया के सामने पूरा मामला ब्रीफ क्यों नहीं करती, और ना ही अभी तक ये बताया गया है कि इस तरह से अंकित के गायब होने के पीछे क्या कारण रहा। आपको बता दें कि 6 दिन पहले पानीपत के सेक्टर 11 के रहने वाले व्यापारी अचानक लापता हो गए थे। व्यापारी की कार सीवा बाईपास के पास दोनों नहरों के बीच में खड़ी मिली थी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने कई दिनों तक गोताखोरों की मदद से नहरों में व्यापारी की तलाश भी करवाई थी, लेकिन अंकित का पता नहीं लगा। दिल्ली पैलर नहर के बीच जब स्विफ्ट कार लावारिस हालत में खड़ी मिली थी तब उसमें लॉक लगा था, लेकिन गाड़ी में अंकित नहीं था। शीशे तोड़कर दो मोबाइल फोन निकाले गए जो कि फ्लाइट मोड पर थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने अंकित को परिजनों के हवाले कर दिया है। हालांकि शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा था कि अंकित के साथ कुछ लोगों का पैसों का लेन देन था। आखिरकार पुलिस ने अंकित को मीडिया के सामने पेश कर ये क्यों नहीं बताया कि वो पुलिस और परिवार वालों को गुमराह क्यों कर लापता हो गया। पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ना ही परिवार वाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मामला पूरी तरह संदिग्ध लग रहा है। फिलहाल पानीपत को इंतजार रहेगा कि पुलिस इस मामले में खुलासा करती है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।